Hi guys, what's up? It's me, Aarti. Welcome to another house hunting vlog on this channel. House hunting and a lot more actually. So, taking it from where we left it last video में, हाँ मैंने तुम्हें काफ़ी क्लिफहैंगर पे छोड़ दिया कि इन दो घरों में से कौन सा फाइनल होता है, देखते हैं. सो हुआ ये उसके बाद कि जो अंधेरी वाला घर हमें बहुत पसंद आया था उसकी बात हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की, बट दैट डिडंट वर्क आउट फॉर रीजंस विच आई डोंट वांट टू गेट इनटू. एंड उसके बाद मी एंड मॉम वर रियली बम्ड क्योंकि हम दोनों का बिल्कुल मूड नहीं था कि फिर से घर ढूंढे. सो या वी हैड टू गेट बैक टू सीइंग फ्यू मोर हाउसेज अगेन. सो या आई एम गोइंग टू गेट बैक टू दिस कॉन्वर्जेशन इन अ बिट. पर आज मैंने बहुत दिनों के बाद अपने स्केड्यूल से टाइम निकाला, यू नो, टू कलर माई हेयर ब्लैक. रिमेंबर मैं कितने टाइम से इंस्टाग्राम पर बोल रही हूँ कि आई वॉन्ट टू डू इट. आई थिंक ये ड्यू है कुछ पिछले 3 हफ्तों से, बट बिकॉज ऑफ द हाउस हंट, माई यूट्यूब एंड एवरीथिंग, माई स्केड्यूल वॉज सो क्लटर्ड कि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था. बट आज हम लोग ये करने वाले हैं. बाय द वे, आई फाउंड दिस रियली कूल प्रोडक्ट जिससे मैं करने वाली हूँ, विच आई हैव टू शेयर विथ यू गाइज. इट्स दिस हेयर कलर शैम्पू. ओके, इट्स नॉट अ नॉर्मल हेयर कलर. आई वॉज वेरी लाइक इंट्रीग जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना. लेट मी शो इट टू यू. सो पहले मैं सोच रही थी कि मेरी मम्मी जिन कलर से अपने बाल कलर करती है जनरली, आई जस्ट गो टू द मार्केट एंड गेट वन ऑफ दोज. पर उसका एप्लीकेशन बहुत ही मतलब टायरसम होता, क्योंकि बाय द वे आई हैव नेवर कलर्ड माई हेयर फुल्ली आज तक, ठीक है, लाइक पूरा रूट से एंड्स तक नेवर. लाइक आई हैव डन अ लॉट ऑफ दिस क्रेजी कलर्स लाइक ब्लू एंड पिंक एंड पर्पल लाइक नीचे, बट मैंने ऊपर से यहाँ तक मेरे बाल आज तक कभी कलर नहीं किए. सो आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रेज विच आई डेंट रियली केयर अबाउट. बट या बट देन आई थॉट कि ये कलर कर ही रही हो तो ऊपर से पूरा कलर कर लेते हैं. एंड आई फाउंड दिस प्रोडक्ट विच इज़ Too Cool Dude is the Fur Natural Noni Hair Color Shampoo by PSafe. If you know of PSafe, it's a women's hygiene and wellness brand and they have some amazing products. And ये जो है ये natural black color में है. Not just this, okay? This has all these ingredients like shikakai, bhringraj, hibiscus, the natural noni fruit. So काफ़ी interesting like combination लग रहा है चीज़ों का. Application भी बहुत easy according to the directions here. So I'm going to use this and we are going to see कि हमारे जो इतने purple और blue हुए जो बाल है इससे प्रॉपरली ब्लैक होते हैं या नहीं. सो इस एक पैकेट में 5 हेयर कलर शैम्पू के पाउचेस आते हैं, विच इज़ ग्रेट बिकॉज यू नो यू कैन ओपन दीज अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ. एंड इसके साथ साथ देव ऑल्सो गिवन 5 पेयर्स ऑफ हैंड ग्लव्स विच यू कैन यूज वाइल अप्लाइंग द शैम्पू, विच यू मस्ट एक्चुअली. एंड बिफोर आई स्टार्ट डूइंग दिस, सबसे बेसिक स्टेप मैंने ले लिया, मैंने मेरे गर्दन पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया. यू कैन यूज ऑयल और पेट्रोलियम जेली. काफ़ी लंबा साथ दिया मेरे हेयर कलर ने जो मैंने फेब्रुवरी या जनवरी में इस साल कलर किया था, सोच के कि 2 महीना रखूंगी एंड देन आई विल डाइड ब्लैक और व्हाटएवर. बट पूरे 8-9 महीने मेरे बाल कलर्ड रहेंगे तब मैंने सोचा नहीं था. वी वेंट ऑन अ कलरिंग स्प्री. और बाय द वे अभी भी मैं काट सकती थी, बट आई हैव अ फ्रेंड्स वेडिंग टू अटेंड इन 2 मंथ्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अर वेडिंग इन शॉर्ट हेयर. दैट्स वाई एम कलरिंग इट ब्लैक अगेन, और आई वुड हैव प्रेफर्ड टू जस्ट चॉप इट ऑफ. नाउ लेट्स बिगिन कलरिंग आर हेयर. मैं इस कलर को सबसे पहले एक प्लास्टिक के बोल में डाल रही हूँ. दिस लुक्स ब्लैक AF बाय द वे. देन आई एम गोइंग टू वेयर माई ग्लव्स ऑफ कोर्स एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट पुटिंग इट ऑन माई एंड्स फर्स्ट, क्योंकि हमारे एंड्स कवर करना बहुत ज़रूरी है. So I managed to cover my entire hair length in about 2.5 packets. अब इसे 5 मिनट रख के मैं शैम्पू करने वाली हूँ. So I am done with my wash and पहले तो this is my dad's shirt, one of my favorite shirts that I love wearing. I'm wearing shorts इसके नीचे, don't worry, I'm not just wearing the shirt. But I'm done with my wash and here is the end result. Oh my god, look at that. सारे बाल properly black हो चुके हैं, even this side. सो वैन यू गाइज सॉ मी अप्लाइंग, यू सॉ कि मैं काफ़ी क्लमजीली अप्लाई कर रही थी. आई वॉजन्ट इंश्योरिंग कि सारे स्ट्रैंड इक्वली कवर हो रहे हैं ऑल दैट, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ लिटिल इम्पेशेंट एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैंने कर दिया था कुछ और मुझे लगा था कि कुछ तो स्ट्रैंड छूटेंगे, बट डैम डूड. एंड ऑल्सो आई हैव टू गिव इट टू द शेड, इट लुक्स सो नेचुरल. आई मीन द बॉक्स डिड से नेचुरल ब्लैक, बट द वे दिस हैज, मतलब कैन यू सी इट कितना स्मूद और इवन लग रहा है ऐसे. देर इज नो डिफरेंस विच आई रियली लाइक. Although I have to tell you about a few things quickly before I give you the discount code, ठीक है. जब मैं ये हेयर कलर लगाकर अपने बाथरूम में गई और मैंने अपने बालों पे पानी डाला, there was black everywhere in my bathroom. So much bleeding happened. मतलब ऐसे लगा मैं होली खेल के आई हूँ इतना. So you have to be careful about that. You have to quickly ensure वो सारा पानी चला जाए. और यहाँ पर भी थोड़ा कलर लग गया है, तो मैंने हाथ पे तेल नहीं लगाया, वो गलती मैंने की, तो वो तुम मत करना. But yeah, these two small things to watch out for. But other than that, very hassle free.
मतलब 10 मिनट में मेरा हेयर कलर हो चुका था. मैंने लिटरली अपने बालों पे कलर लगाया, हार्डली वेटेड फॉर 5 मिनट्स एंड देन आई वेंट एंड शैम्पूड एंड इट वाज डन. सो डेफिनेटली समथिंग दैट यू कैन गिव अ शॉट टू. अगर तुम्हें प्रोडक्ट चेकआउट करना है, इसको खरीदना है, इसकी लिंक्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड इफ यू वांट अ डिस्काउंट, आई हैव अ डिस्काउंट कोड आल्सो फॉर यू, RT10 यूज करके यू विल गेट अ 10% ऑफ ऑन योर ऑर्डर. एंड विद दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम बालों को कलर करने का हो चुका है. नाउ वी कैन मूव अहेड इन द व्लॉग एंड चेक आउट हाउ द लास्ट फ्यू डेज ऑफ हाउस हंटिंग हैव बीन फॉर मी एंड मॉम. वी आर इन दिस हाउस इन सहकार नगर एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द साउंड एंड लाइट. एक्चुअली आई लाइक द लाइट. The light is good, my face looks good. I don't need an external light in this house. So yeah, this is nice. Is there now? This is the living room. Window which overlooks a garden. You can see the sea from here. Kitchen. Gas pipeline. So I'm going to quickly record one link for sound check. इसके नीचे देर इज अ फुल ओपन पार्क, देर इज अ ग्राउंड. आई थिंक द ईयर इज 2050 एंड वी आर स्टिल हाउस हंटिंग. हमारा खत्म ही नहीं हो रहा है, हम लोग बहुत पक गए हैं यार. सो अनादर डे. अब सीन ये हो रहा है आजकल, हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग आधे दिन, मैं आधे दिन काम करती हूँ और बाकी आधे दिन हम हाउस हंट करते हैं. सो आई हैव बीन एंड इवन शी हैज़ बीन वेरी 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 टायर्ड. या बहुत सारे घर रिजेक्ट कर चुके हैं आतापर्यंत. काय काय रीजनसाठी आपण घर रिजेक्ट केले एकदा सांग. यू हॅव टू हिअर दिस. काही ठिकाणी एरिया चांगला नव्हता, बिल्डिंग चांगली होती पण बिल्डिंग बाहेर इधर इज अ गटर और कुछ एकदम गंदा सा. इट्स नॉट क्लीन और इट्स नॉट रेसिडेंशियल टू कमर्शियल. काही ठिकाणी म्हणजे बाहेर चांगलं होतं तर आतमध्ये फ्लॅट चांगला नव्हता, एरिया कमी होता. करेक्ट. आमचं फर्निचर पण येणार नाही. साऊथ फेसिंग आम्ही स्पेसिफिकली नाही म्हटलेलं आहे. हमें साउथ फेसिंग घर नहीं चाहिए. न्यूमरोलॉजिकली कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें 13th फ्लोर पे घर नहीं चाहिए. फिर घर बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज माउंट डजंट लाइक टू हाई बट आई डोंट वांट टू लो, क्योंकि नीचे शोर ज्यादा आता है और मैं बहुत वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, वॉइस वाला काम करती हूँ. दीज आर द रीजन. आम्हाला दुसरा तिसरा मजला नको, पण आम्हाला 20 पण नको, 15-20 म्हणजे आम्हाला. हम इतना स्पेसिफिक और हमें ना एकदम अंदर कोने में गली में नहीं चाहिए पण एकदम रोड पे भी नहीं चाहिए, क्योंकि शोर होगा. आवाज पण नको, सेफ पण पाहिजे, शांतता पण नको. गॉड ब्लेस आर ब्रोकर बट आय एम सर्टन, आय एम कॉन्फिडेंट हमें बहुत अच्छा घर मिलने वाला है. वो तो उसकी गारंटी है. हाँ आप लोग घुमा लो, मैं आपको बताती हूँ GPS से, गूगल से. तो इसीलिए भी मैं व्लॉग नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा घर ढूंढते वक्त, क्योंकि देर इज सो मच दैट आई एम डूइंग ऑन माई फोन. आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद द ब्रोकर्स, देन आई एम लुकिंग फॉर द एड्रेस थ्रू गूगल मैप्स, फिर इसी से मैं शूट कर रही हूँ. एंड आज बाय द वे फॉर अ चेंज आई हैव वोन अ वेरी ब्राइट लिपस्टिक फॉर अ हाउस हंट, बट टुडे आई वाज इन द मूड. You know, I have to tell you this funny thing. My mom's expectations are so high from the society. हम लोग किसी भी घर में जाते हैं, पहले तो हमें लगता है कि कोई घर ही अच्छा मिल जाए वही बहुत हो गया. उसके बाद मम्मी पूछती है उन लोगों को, यहाँ पे amenities क्या है, swimming pool है, gym है. Like when she asks that question, I'm like, oh my god. So हम लोग जिस सोसाइटी में अभी रहते हैं, मम्मी ने मुंबई में आते ही वो वहीं पर रही है for 5 years. So that is her set expectation. She thinks all societies are like that. पण नाही, हे पुणे नाही आहे, नागपूर नाही आहे. यू कॅन एक्सपेक्ट अ गार्डन अँड अ जिम अँड अ व्हॉटएव्हर सगळीकडे असतं ऑलमोस्ट, पण दिस इज मुंबई. इकडे एक चांगल्या बिल्डिंगमध्ये चांगलं घर मिळालं तेच खूप आहे. आहे ना पण आपल्याकडे ऑप्शन राईट नाऊ. ऑल्सो शी आस्क्ड दॅट अंकल, यहाँ पे क्या क्या अमेनिटीज है. अंकल इज लाइक, हैं क्या This is on the 17th floor. Will you be comfortable living on a 17th floor? Takka hai aplala kude garvalo. Thoda pehle to mata height chi problem hai. Thoda pehle to mata ki bhiti vatel.
भीती नाही वाटत मला येणं. ते 20 फ्लोअर वगैरे कशाला रिजेक्ट केला, मग चल फक्त 20-25 फ्लोअरवर. वैसे ही हमारे घर के क्राइटेरियाज कम नहीं थे, अब मैंने साउंड चेक करना भी शुरू कर दिया है. ओ दिस रूम हैज अ बैल्कनी, या एंड इट्स विंडी एंड द लाइट इज गुड. सो आज जितने घर देखने थे उतने मैंने देख लिए, और अभी मैं कुछ खाने के लिए आई हूँ बाहर. एंड आई एम रियली इन द मूड फॉर सम चाट. दिस इज माई वे ऑफ रिवॉर्डिंग माई सेल्फ. जब भी मैं कुछ बहुत हार्डवर्क करती हूँ, मेहनत करती हूँ, आफ्टर दैट हमने बहुत कर लिया, नाउ आई नीड टू फील गुड. I'll go to Zomato and order something, but today I've come here. Andheri mein ek bahut hi sahi jagah hai. It's called Chandru's, and yahan ki pani puri, by the way, is killer. If you're in Andheri, you should try this. It's in 7 Pangros. But today I think we are not going to have pani puri. We need something jo wahan par ban raha hai. So let's go. कहाँ नहीं? चलो मैं मुद्दा कौन वेगळा द्यायला म्हणतात. So I missed eating the pani puri here today, but agar tum log andheri mein rehte ho or you travel this side, you have to eat the pani puri at Chandru's. Me and two of my friends have come here so religiously last year in the lockdown. Hum log walk pe jaate the, to yahan pani puri khane aate hain. Really good pani puri, trust me. Do you guys remember I did my favorite pani puri place in andheri vlog long time ago? So that place shut down, so main bahut sad thi after that place shut down, until I found Chandru's. Now my life is beautiful. Okay, did not have to do that. So आज थोड़ी चैन की सांस लेने का वक्त हमें मिला है. सो मी एंड मॉम हैव कम टू सिट हियर इन द गार्डन. आई थिंक इस सोसाइटी के गार्डन को सबसे ज़्यादा मेरी माँ और मैं मिस करने वाले. आई हैव शॉट सो मेनी ऑफ माई वीडियोज़ एंड लुक बुक्स हियर, एंड शी हैज़ लव्ड कमिंग हियर फॉर वॉक्स. सो इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड भी है 15 फ्लोर पर, जो कहता है तुझसे ज़्यादा गार्डन किसी ने नहीं वसूला पूरे सोसाइटी में. हाउ मच आर यू गोइंग टू मिस दिस. मी ना खूप मिस करणार आहे, कारण एकदम गार्डन एकदम सुंदर आहे इथे, आणि मी रोज इथे सकाळी मॉर्निंग वॉकला यायची. इथे काही इन्स्ट्रुमेंट्स पण आहे एक्सरसाइजचे, सायकल वगैरे ते पण चालवायची. तर आणि याच वर्षी रिटायर झाली, त्याच्यामुळे मी जास्त आता यूज करू शकते. यूज पण करायला मिळालं. पहिले 4 वर्ष काहीच यूज नाही केला. आमच्या 4 वर्षात काहीच मी यूज नाही केला, कारण सकाळी बँकेत जायचं 8 निघायचं आणि रात्री यायचं 9 असं होतं. ठीक आहे यार, देर आर मेनी पब्लिक गार्डन्स, यू कॅन स्टील गो देअर. पण आपलं ते आपलं असतं ना, फॅमिली गार्डन वाटतं. सो या वी आर गोइंग टू मिस दिस डूड. लुक एट हाउ ग्रीन इट इज एव्हरीवेअर, अँड दिस इज द व्ह्यू वी हॅव. मुझे भी यहाँ पर बैठने में इतना काम लगता है, लाइक आई हैव कम हियर सो मच इन द लास्ट 1 year. सो लास्ट 4 days ऑफ एन्जॉइंग दिस गार्डन. रियली लुक एट हर, हाउ सैड इज शी. आई एम फीलिंग वेरी बैड एक्चुअली. तो मग तू एकटी राहून जाते का इकडे, मी मूव आउट होते. जा तू चालली जा, मी इथे राहते. मग मी पुण्याला चालली जाते, मी इथे कशाला राहीन नाही. ओके, तिकडे पण गार्डन आहे. दॅट एस्केलेटेड टू क्विक. सो दॅट वॉज इट फॉर दिस व्लॉग गाईज, अँड देर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डिसिजन मी अँड मॉम हॅव टेकन अबाउट हाऊस हंटिंग, जो मुझे तुम्हें बताना है. सो हो ये रहा था कि अभी हम लोग पिछले 3 हफ्तों से घर ढूंढ रहे हैं, और हम लोगों ने काफ़ी घर देख लिए, एंड द वंस दैट वी रियली लाइक्ड डिड नॉट वर्क आउट. सो वी हैव डिसाइडेड टू नॉट सी एनी मोर हाउसेज एंड टेक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम हाउस हंटिंग. या I know, I was very very excited about moving to a new house, but we can't help it. मतलब हमें ना ऐसे ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं shift हो जाना है. Like this house is something that we are very comfortable with, and we really like it. So we were like, अगर 5 साल बाद ये छोड़ रहे हैं तो the new house better be worth it. So हमने सोचा अब जैसे ही हमें कोई अच्छा घर मिलता है that ticks all our boxes, we will shift into it. So yeah, I mean until I have anything substantial, I think this is all there is to my house hunting series. ये है अब तक का decision. Let me know if you enjoyed this series in comments below. And if you're new to my channel, अगर मेरा content पसंद आ रहा है, consider hitting the subscribe button and the bell icon next to it. And yeah, I'm gonna go and see you guys real soon. You take care, bye bye.